मन की बात के 101वें एपिसोड में बोले पीएम मोदी, अगले 25 साल देश के लिए महत्वपूर्ण। पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया नया संसद भवन, कहा आज का दिन सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है। वैदिक मंत्रोच्चारण से शुरू हुआ नए सदन भवन का उद्घाटन कार्यक्रम, संगोल के आगे दंडवत हुए पीएम मोदी। नीति आयोग की बैठक में सीएम योगी ने गिनाई यूपी की उपलब्धियां, स्किल डेवलपमेंट पर भी की चर्चा। कौशाम्बी में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे डिप्टी सीएम के बेटे, मंच से योगेश मौर्य ने दिया विवादित बयान। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भव्य कार्यक्रम में नए संसद भवन को देश को समर्पित किया और हवन और मंत्र उच्चारण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का उद्घाटन का कार्य शुरू कर दिया और पूजन के बाद तमिलनाडु के मठों से आए अधिनम ने पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने दंडवत प्रणाम के बाद सेंगोल को संसद में स्पीकर की कुर्सी के बगल स्थापित किया। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला उनके साथ मौजूद रहे। सेंगोल स्थापना के बाद पीएम मोदी ने संसद के निर्माण में शामिल श्रम योगियों का सम्मान किया। इसके बाद सर्वधर्म सभा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीति आयोग के शासी परिषद की 8वीं बैठक को संबोधित किया। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि अमृतकाल के विशिष्ट कालखंड में आयोजित ये शासी परिषद की पहली बैठक है, जब पीएम मोदी के नेतृत्व में देशवासी पंच प्रण के साथ एक विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। 9 सालों में देश और दुनिया ने एक नए भारत को देखा है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास की जो नई अमिट पटकथा लिखी जा रही है, उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री के सशक्त नेतृत्व को दिया जाता है। प्रदेश सरकार सेवा और सुशासन से गाँवों से लेकर शहर तक वंचित किसान समेत सभी वर्गों को विकास में भागीदारी बना रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने नए संसद के उद्घाटन को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुंह में राम बगल में छुरी जैसा काम करती है। जब भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू जी को प्रत्याशी बनाया था, तब अपनी पीठ थपथपा रही थी। जब संसद भवन के उद्घाटन की बात है तो पीछे हट रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट करते हुए ये भी कहा कि केवल दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मणों को बुलाना दुर्भाग्यपूर्ण है, सभी धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया जाना चाहिए था। बीजेपी ने अपनी दूषित मानसिकता को दर्शाया है। यूपी के कौशाम्बी जिले में नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष और सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य ने मंच से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस अब आजम खां की भैंस को पकड़ने का काम नहीं करती, बल्कि अतीक को गोली मारने का काम करती है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि ये सत्य है कि कभी आजम खान की भैंस ढूंढने वाली पुलिस अब गुंडों का सफाया कर रही है। अतीक अशरफ की हत्या के बाद जनता को सुकून मिला है। सत्य है, आजम खान की भैंस ढूंढने वाली पुलिस जो है अब तो गुंडों का सफाया कर रही है। अभी समाजवादी की सरकार होती तो क्या आपको लगता है कि उमेश पाल हत्याकांड का बदला ले पाती पुलिस? क्योंकि तीनों आरोपी जो है वो पुलिस के नहीं थे जो मारे गए। कौन पुलिस के नहीं थे? जो तीनों आरोपी वो उसकी जांच चल रही है, सामने आएगा। लेकिन इससे जनता को बहुत सुकून मिला है, माफिया राज उत्तर प्रदेश से खत्म हो गया, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात।
खबर गाजियाबाद से है, जहां पर राकेश टिकैत का बयान सामने आया है, जो लोग सरकार में हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, हम दिल्ली जा रहे हैं तो हमें रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि आखिर क्या वजह है कि पहलवानों के साथ गलत हो रहा है। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि सरकार साफ करे कि जो लोग सरकार में है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और जो सरकार में नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। धरना प्रदर्शन एक ही जगह चलेगा, अभी हम गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, 2-3 बजे तक यहीं बैठेंगे, हमारा आंदोलन सफल रहा। यही है, सब बॉर्डर पर बातचीत करेंगे, अभी तो यहाँ पर आए क्योंकि अभी तो सब लोग पीछे रोक लिए, उन्होंने पुलिस बोर्ड में घरों पे जो रास्ते पार है जो ढोल पे है पूरा पुलिस का लोग रोक रखे हैं, वे लोग भी आ जाए तो फिर सलाह करके जब बताएंगे। नहीं हम यहाँ पे आप लोग यही बैठेंगे कि दिल्ली जाएंगे या वापस जाएंगे, क्या होगा? अभी तो यही बैठेंगे, आगे की सलाह करेंगे, बताएंगे 1-2 बजे तक क्या करेंगे, 2 बजे के बाद बताएंगे। हाँ बता दो, 2 बजे के बाद सलाह कर लें अपनी, जब बताएंगे आपको क्या करेंगे। सुल्तानपुर में नव निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण कुमार अग्रवाल भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पर्यावरण पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने पर्यावरण पार्क का विधिवत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां मिली उन सबको एक ग्राफ तैयार कर संबंधित अधिकारियों और नगर पालिका ईओ को दिशा निर्देश दिए गए। प्रवीण कुमार ने कहा कि SP से बात हो गई है, इसके लिए यहां पर 2 पौली में सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि यहां पर पर्याप्त मात्रा में लाइट की व्यवस्था की जाए और CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे कि यहां पर CCTV कैमरे से यहां की निगरानी की जा सके। यहां पर पर्यावरण पार्क जो सुल्तानपुर की एक धरोहर के रूप में है, इस समय नगर पालिका परिषद द्वारा संचालित है, ये इसकी देखरेख में इसका जो है व्यापक विधिवत निरीक्षण किया गया। यहाँ पर जो लोग पार्क में सवेरे टहलने के लिए आते हैं उनसे सुझाव लिया गया, यहाँ पर जो योग के हमारे गुरु जी हैं वो लोग भी हैं, हमारे सभासद लोग हैं या जो भी जानकार हैं, सभी के साथ निरीक्षण करके पार्क को और कैसे साफ सुथरा हरा भरा विकसित किया जा सकता है, इसके लिए पूरी जो है आज हम लोगों ने सर्वे करके एक योजना। संभल में अवैध खनन की सूचना पर खनन अधिकारी ने छापा मारा है, जिसके बाद मौके से अवैध खनन के 2 ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद किए गए हैं। फिलहाल खनन कर रहे माफिया मौके से फरार हैं। मौके पर खनन अधिकारी ने दोनों वाहनों को सीज करके पुलिस को सौंप दिया है। ये पूरा मामला बहजोई कोतवाली क्षेत्र के गाँव घासीपुर के जंगल का बताया जा रहा है। सर आपने आज ट्रैक्टर पकड़े हैं, क्या पूरा मामला? एक सूचना आई थी कि घासीपुर के जंगलों में अवैध खनन हो रहा है और मेन रोड चौराहे पे ये लोग भराव कर रहे हैं, जिसकी उसी सूचना के हमने जो है लेते हुए हम मौके पे आए, जिस पे हमें जो है यहाँ पे एक ट्रैक्टर 3 ट्रैक्टर है टोटल, जिसमें से एक भाग गया और 2 मौके पकड़े गए। इन्होंने रास्ते में मिट्टी पलट के हमारा रास्ता भी रोकने का प्रयास किया, हमने कैसे कैसे जुते हुए खेतों में अपनी गाड़ी वाड़ी भगा के कैसे कैसे हमने 2 ट्रैक्टर पूरी पकड़ लिए, हम इनको दाखिल करके इन पे जो है जुर्माना लगाया जाएगा। अंबेडकर नगर में नाला भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। दरअसल पीला ईंट और घटिया सामग्री से नाली का निर्माण कराया जा रहा है। वीडियो में साफ तौर से देखा गया है कि अब देखने वाली बात यह है कि ऐसे में इस पर क्या कार्रवाई होती है। घटिया सामग्री और पीले ईंट से निर्माण कराया जा रहा है, ये पूरा मामला आलापुर तहसील क्षेत्र के महमदपुर गाँव का है। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता टीम को सूचना के आधार पर अवैध गैस कालाबाजारी पर कार्रवाई की गई। इसी इलाके में सिलेंडरों की कालाबाजारी भारी मात्रा में बरामद किए गए। बता दें कि मुजेसर गांव में बाबा हृदय राम कॉलोनी में अवैध रूप से गैस बेची जा रही थी। खाद्य आपूर्ति विभाग और CM फ्लाइंग की इस संयुक्त कार्रवाई से भारी मात्रा में अवैध सिलेंडरों को बरामद किया गया है। सभी सिलेंडरों को जब्त करके खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी और CM फ्लाइंग कार्रवाई में जुट गई है।
अलीगढ़ के नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में बाइक सवार दो सगे भाइयों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। इस घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों घायल भाइयों को मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया है। जानकारी के अनुसार दोनों मृतक भाई अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ क्षेत्र के गाँव नगला ढक के रहने वाले थे। दरअसल दोनों भाई गाँव से रोजाना अलीगढ़ की निजी फैक्ट्री में मजदूरी करने जाते थे। दोनों भाई मजदूरी करते हुए बाइक से वापस गांव लौट रहे थे। इसी दौरान थाना अकराबाद क्षेत्र के पनेठी के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से दोनों भाई घायल हो गए। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एक का नाम भगवान सा है और दूसरे हैं शिवराम। घटना स्थल पर पुलिस पहुंची? अब हमको तो मालूम नहीं है, पुलिस ही लेके आई है। यहाँ तक पुलिस ने पहुँचाया तो यहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जो वाहन है वो पकड़ा गया क्या? अज्ञात में है अभी तक। विजय कुमार जी कहाँ रहते हैं आप? नगला ढक में रहता हूँ। नगला ढक जी, थाना कौन सा लगता है? विजयगढ़ लगता है। विजयगढ़। अच्छा, ये दोनों जो मृतक हैं कौन है आपके? मेरे चाचा जी हैं। दोनों चाचा हैं आपके, क्या नाम है इनके? एक का भगवान सा और एक का सेवाराम। सेवाराम और भगवान सिंह जी। तो क्या हुआ इनके साथ हादसा? ये ड्यूटी से आ रहे थे, रास्ते में पनेठी से आ गए बाबा कोल्ड पर, लेकिन सड़क हादसे से एक्सीडेंट से मृतक। ये किस चीज पर थे? बाइक से थे। ये दोनों बाइक पर थे और ड्यूटी क्या करते हैं? ये तारानगरी पर कंपनी में काम करते हैं। प्राइवेट कंपनी है कोई? जी। क्या काम करते हैं पता है? वो उसी कंपनी है, वो तो क्या है। बता दें, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार सगे भाइयों को रौंदा, जिसके बाद दोनों सगे भाइयों की मौत हो गई है। बता दें कि दोनों भाई मजदूरी कर बाइक से अपने गांव लौट रहे थे, इसी दौरान बड़ा हादसा हुआ और दोनों ही अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए और जिसके बाद गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बता दें कि दोनों के मृत्यु की खबर से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ये दोनों सगे भाई मजदूरी कर अपने गांव लौट रहे थे, उसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि डॉक्टरों ने घायलों को मृत घोषित कर दिया। और अलीगढ़ से हमारे संवाददाता नितेश हमसे जुड़ चुके हैं। नितेश, बड़ा हादसा हुआ जिसमें दो सगे भाइयों की मौत हो गई है, कैसे ये हादसा हुआ, क्या कुछ पूरा मामला? नहीं, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला थाना विजयगढ़ क्षेत्र का है और दो सगे भाई को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, जिससे उन दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। इस तरीके की बात कही जा रही है और हेलो जी, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। मैं आपको बता दूं, पुलिस द्वारा दोनों भाइयों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा था। संभाग मजदूरों द्वारा परिजन के अस्पताल डॉक्टरों द्वारा घायल मृत घोषित कर दिया, दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया गया है। जी धन्यवाद नितेश हमसे जुड़ने के लिए। फतेहपुर में 2 बीघा जमीन बेचने पर बेटे ने अपने पिता को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। सूचना पर स्थानीय थाने की फोर्स समेत एसपी ने मौके का जायजा लिया। इससे पहले भी मृतक मनीराम निषाद का बेटा सुनील जमीन को लेकर विवाद करता था। हत्या के बाद गांव वालों ने कपड़ों में खून लगा देखकर पुलिस को सूचना दी। वहीं फरार बेटे सुनील की तलाश में कई टीमें दबिश दे रही हैं। ये पूरा मामला फतेहपुर के बिनकी कोतवाली के कोरैया गांव का बताया जा रहा है।
बदायूं के सहसवान में राजस्थान पुलिस ने छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस के हाथ अंतरराज्यीय जहरखुरानी गिरोह का सदस्य लगा है। जोधपुर के सराफा व्यवसायी को नशा देकर सोना लूट लिया गया था। इस घटना को दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जहरखुरानी गिरोह ने मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बदायूं से लूटा हुआ सोना बरामद किया है। साथ ही दो आरोपियों को भी हिरासत में लेकर मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी की निशानदेही पर सोना बरामद किया गया है। बता दें कि ये सोना सहसवान के कुछ सराफा दुकानदारों ने खरीदा था। अभी तक 2 किलो 700 ग्राम के करीब सोना बरामद किया गया है। बता दें सहसवान में पुलिस का ये छापेमारी देखने को मिली है, जिसमें सराफा व्यवसायी से सोने की लूटपाट की गई थी, जिसमें बड़ी कार्रवाई हुई है। बुलंदशहर में व्यापारी से धारदार हथियारों के बल पर 3,50,000 रुपए की लूट हुई। दरअसल मिठाई व्यापारी दुकान को बंद करके घर लौट रहा था। इस दौरान रास्ते में 4 बदमाशों ने व्यापारी को आम के बाग में बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं बल्कि लूट का विरोध करने पर व्यापारी पर चाकुओं से हमला भी किया गया है। साथ ही सियाना पुलिस वारदात को जांच के आधार पर संदिग्ध मान रही है। फिलहाल घायल व्यापारी की हालत नाजुक बताई जा रही है। यह घटना बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम माकंडी स्थित नहर झाल के पास का बताया जा रहा है। बता दें व्यापारी पर चाकू से हमला किया गया है। वहीं 4 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता इकराम हमसे जुड़ चुके हैं। इकराम, व्यापारी से बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है, क्या कुछ पूरा मामला? मैं बता दूं आपको, बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मखड़ी झाल के पास की ये घटना है, जिससे व्यापारी से धारदार हथियारों से बल पर 3.5 लाख रुपए की लूट की। मिठाई व्यापारी दुकान को बंद करके लौट रहा था घर। रास्ते में 4 बदमाशों ने व्यापारी को आम के बाग में बंधक बनाकर दिया लूट को वारदात को अंजाम। जी जी, धन्यवाद इकराम तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।